जितेंद्र आवार मेरी गाड़ी और मोबाइल के मोहताज थे। शरीफा रोड की सभा में नजीब मुल्ला ने चौंकाए। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 नवंबर शनिवार को महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के लिए शरीफा रोड पर एक प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। अच्छी खासी उपस्थिति इस प्रचार सभा में थी। वहीं इस प्रचार सभा में नजीब मुल्ला ने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए व्यक्तिगत तौर पर गुरु चेला या गाड़ी चलाने वाला ऐसे जो ताने उन्हें उनके विरोधियों द्वारा माने जा रहे उसका जवाब देते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। किस तरह से उन्होंने बताया कि कौन से समय में जितेंद्र आवार उनकी गाड़ी और मोबाइल के मोहताज थे, सुनिए। तशरीफ ला चुके हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब नजीब मुल्ला साहब का। आइए आइए आपने हमारी बात सुनी। आज टोरेंट चोर को भगाने के लिए पॉकेट मार को अपने टोरेंट की चोरी करने वालों को, टोरेंट के 50 लाख रुपया महीने का हफ्ता खाने वाले को भगाने का दिन 20 नवंबर उसके फिक्रमंद के सोच और ख्याल पेशगी के इस जलसे के अंदर मौजूद मेरे जफर नुमानी साहब, हमारी भाभी हाफिजा आपा, माजी नगर सेवक नेहा राजन से सभी हमारा आजाद चौक आजाद चौक में आजाद नहीं दिख रहा है आजाद चौक में और सभी दिगर हाजिरीन जलसा अस्सलाम वालेकुम, उलेमा इकराम का भी अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे मोड़ पे पिछले मुझे लगता है कि आपके बीच में सभा के तौर पे इलेक्शन के अंदर मौजू के तौर पे आज आखिरी सभा होगी कि जहाँ आपके सामने मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे बातों पे यकीन किया तो 23 तारीख के बाद रोज़ आपसे मुलाकात होगी और यकीन नहीं भी किया तो अल्लाह ने जब तक ताकत दी आपकी खिदमत करने के लिए मुलाकात होती रहेगी। आज कल आपने सभा हमारी सुनी, एक महीने से हमने जितने आप लोगों को वादे किए काम के आप बहुत सब्र से हमारे बातों को सुन रहे थे। हमने टोरेंट भगाएंगे कहा, हमने ड्रग्स फ्री मुमरा कहा, हमने रिहैब सेंटर के बारे में कहा, हमने पानी मुबलक ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी मिलेगा वो कहा, पानी के टाकी के बारे में कहा, हमने स्कूल कब्रिस्तान एडिशनल कब्रिस्तान हर चीज़ों के ऊपर आपसे हमने कहा, आप सुनते हैं। आपने यकीन रखा कि चल बच्चा कह रहा है थोड़ा बहुत 50-50% चले। एक तरफ हम आपके सामने ख्यालात करते हुए आपके पास काम की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कभी भी इलेक्शन के दौरान में जब एक सिटिंग आमदार होता है और 15 साल का फिरोज भाई 15 साल का सिटिंग, तुम पार्टी में आ गए अभी, कांग्रेस में नहीं आ सकते, ऊपर कांग्रेस में नहीं है अभी, तो वो अभी तक टाइम लगेगा ना खड़ी दिमाग में जाने को, कांग्रेस समझ के सामने खड़े थे वो, पार्टी में अभी आप तो आमदार आता है, आमदार बोलता है 15 साल में मैं ये किया, ये आवाम पीछे से कोई पूछना चाहता है मैंने कौन सा काम नहीं किया, वो आवाम से पूछेगा मेरी बहन बताओ कौन सा काम मैंने नहीं किया, और मुखालिफत इलेक्शन में कहते रहती है इससे अच्छा करना चाहिए, इसमें खामियां निकली। मगर इस दौरान में एक महीना दो दिन हो गए आचार संहिता लग के
इलेक्शन डिक्लेयर होकर सभाओं का दौर, सोशल मीडिया का दौर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर, ऐलानात का दौर परसों खत्म होने वाला है। दो दिन बाद मुस्तकबिल मुमरा का फिर से वो इंसान के हाथ में रहेगा जो गुरूर तकबूर में सब चीज भूल चुका था कि घड़ी वही और नया वक्त लाने का दौर है, वो आप तय करेंगे। मगर ये आमदार साहब हमारे, हाँ मेरे साथी, मैं साथी था हूँ, किसी ने कहा कि नजीब मेरा चेला था, किसी ने कहा कि नजीब उनका गाड़ी गया था, जो नए नए पगारी रहते ना साल चार पांच साल, जितेंद्र रावण को पहचानते। मैं कहना चाहता हूँ जितेंद्र रावण साहब के पास जब खुद की गाड़ी भी नहीं थी ना, एक अफरा तफरी सरकारी जमीन के अंदर अंदर गए थे वो 97 में झूठे पेपर बनाने के केस में, तो आपने डर के मारे सब गाड़ियाँ बेच दी, उनके पास दो गाड़ी थी। जब भी ये 18 साल का नजीब मुल्ला था जिसको अल्लाह ने खुद के पैसे से खुद की गाड़ी दिया था और इतना बड़ा दिल दिया था, क्योंकि मोमिन बांटते रहता है, कुरान में कहा है बांटते रहो आता रहो, तो गाड़ी आपके पास में रखा था, आपकी गाड़ी का मोहताज नहीं थे, आप उस दौर में नजीब के गाड़ी का मोहताज थे। 97 में नजीब के मोबाइल के मोहताज थे, मोबाइल था जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज से आए ले टपरी चपरी भोपाल विपाल से, वो क्या अपने को बताएंगे। अल्लाह ने बचपन से सोने के चम्मच में खिलाया, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने दिल इतना बड़ा दिया और जमीर दिया कि तेको दिया, जिसको नहीं दिया उसकी फिक्र कर और खिदमत कर। इसके लिए कोई आम इंसान 25 साल की पब्लिक लाइफ में कह नहीं सकता है कि मैं नजीब के पास गया कुछ मदद के लिए, उसने झिड़क के मुझे वापस बेचा या नज़रअंदाज किया। वो राबोड़ी का हो, थाना को हो, महाराष्ट्र हो कि उत्तर प्रदेश का हो, मदद पहुंचनी ही पहुंचनी है, क्योंकि वो मेरा फर्ज है, मेरे को इस्लाम में वो सिखाया है। अब तो यकीन हो गया, कल अजीत पवार साहब की क्लिप सुने आपने? अच्छा वो ऑडियो क्लिप सुने या 50 लाख वाली? लीडर, अभी हमारी नई लीडर सामने चाची, सुने आपने 50 लाख रुपए कौन कह रहा है? एक अधिकारी जिसने टोरेंट को चार्ज किया और एक पत्रकार जिनका नाम इकबाल भारती। मुझे बताइए ना, 50 लाख रुपया महीना खाते वक्त उनके रकम बढ़ते गई और आप लोगों की जेबें खाली होती गई। फिर आवाज साहब 2009 का 5 करोड़ का आदमी 150 करोड़ का बनेगा नहीं क्या? बनना ही बनना है, 6 करोड़ का सालाना आ रहा है, 10 साल 5 साल कितना भी लगाओ बढ़ना ही बढ़ना है। आज सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरियों को और कुछ मेन आदमियों को निजाम भाई बता रहे थे मेरे को कि किसी को 15,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000 बांटा जा रहा है। अच्छा जो मेरे मीटिंग में आ रहे ना उनके पास घर बैठे वापस भी मांग रहे। अरे वो तो बड़ा दिन नजीब मुल्ला का है कि ये प्रभाग का नगर सेवक सिराज डोंगरे को 10 से 15 करोड़ कमा के गया। एक बार फोन किया, फोन ने उठाया तो पलट देखा भी नहीं उसकी तरफ, तेरे नसीब में थी वो तेरी कमाई, तू रख ले फीस अभिनंदा। जाके छोटा सिराज से पूछो, जो उनका पार्टनर है छोटा सिराज, सिराज अंसारी, उनको जाके पूछो कि ये बात है कि नहीं सच। जो दीन से जुड़ा हुआ रहता है उसका दिल भी उतना बड़ा होता है। आज यकीन हुआ कि नजीब एक महीने से चिल्ला रहा था टोरेंट भगाऊंगा, अजीत दादा ने कहा ये अजीत पवार का वादा है टोरेंट जाएगा, यकीन हुआ ना, खुश हुए ना, पानी दूंगा अजीत पवार ने कहा ना, अजीत दादा ने ये भी कहा ड्रग्स फ्री करूंगा, इतना ही नहीं जो आज ड्रग्स के अधीन है उनको भी सुधारने की जिम्मेदारी आपके भाई की, आपके बेटे की। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा नजीब CSR फंड भी जितना लगा मैं आपको दूंगा, सुने ना महाराष्ट्र
इस हिंदुस्तान का सबसे आला राज्य, ताकतवर। उत्तर प्रदेश बड़ा है, आबादी में बड़ा है, बट माली हालत में महाराष्ट्र एक नंबर में इस हिंदुस्तान का। उसके मालिक और जूनियर मालिक, चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दोनों ये बातों को सराहते हैं जितने वादे हमने किए। दो दिन बाद वोटिंग है, अब तो यकीन हो गया कि आपका बेटा और आपका भाई, जो अल्लाह को गवाह रख के कहता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं खुले आसमान के नीचे, अब तो यकीन हुआ कि नहीं हुआ? तो घड़ी के निशानी को वोट दोगे? कहना बहुत है, बट दो सभा और 20 मिनट बाकी है, 10 मिनट घड़ी आगे है, 20 मिनट बाकी है, मुझे जाना है। बट मुझे जाना है मकसूद नगर और आना है 23 तारीख को आपका आमदार बनके। क्या दुआ करोगे? तो 20 तारीख को चाचा, ये क्या है? नहीं, अरे आपके भाई की तो सुनो, एक महीने से हम लड़ रहे आपके हक के लिए, लड़ रहे आपके आजादी के लिए, लड़ रहे आपके सहूलत के लिए, लड़ रहे अच्छे माशरे के लिए। 3 दिन बचे हुए, 2 रकात सला तो हज्जत पढ़ना कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करे, आपके भाई और बेटी के लिए करना। मेरी बेटी छोटी है, मेरे साथ प्रचार में नहीं आ सकती, मेरी माँ चलने को तकलीफ है, तुम्हारे बीच में नहीं आ सकती, वो अपनी नमाज पढ़ेगी, मगर या मेरे माँ बहन मौजूद है, या मेरे भाई बहन मौजूद है, भाई और बुजुर्ग मौजूद है, या उलेमा इकराम मौजूद है, एक बार 3 दिन के लिए रोज एक सलातो हज्जत मेरे लिए पढ़ना कि 2 रकात सलातो हज्जत, 2 रकात होती है, 2 रकात सलातो हज्जत पढ़ना कि अल्लाह मोमिनों के दिल में 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाने की इजाफा देवे, और मेरे भाई को 23 तारीख को 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ने की तौफीक दे, जिसके लिए आप भी पढ़ेंगे। यही मैं इजाजत लेता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।